मुझे मालूम है सबने खिचड़ी खाई होगी और खिचड़ियों के साथ तो बहुत सारी मेमोरीज होगी, और आपकी क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के जाना। और ये वाली खिचड़ी बनानी कैसे है वो भी सीखते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या करना है, ऑयल डालना है कुकर में, उसके अंदर डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, खड़े मसाले के साथ साथ थोड़ा सा जीरा, जीरा भुनने के बाद हम उसके अंदर डालेंगे अनियन, उसी के साथ साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। ऑनियन जब तक थोड़े से हल्के मीडियम फ्लेम में पक रहे हैं उसी टाइम पर हम लोग एक बर्तन के अंदर रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, सॉल्ट, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। कभी कभी है ना, हम लोग ऑनियन के साथ मसाले डालते हैं ना, वो जल जाते हैं, तो उसके जो फ्लेवर्स है ना वो उतने स्ट्रांग नहीं आ सकते। तो उसके बाद हम उसके अंदर डालने देंगे पानी। पानी डालने के बाद उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही आपके मसाले अच्छी तरह से भुन जाए हम उसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कट करके डाले। टमाटर आप ना पकाओ तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग वापस खिचड़ी को कुकर से सीटी लगाएंगे तो वो खुद भी पक जाएंगे। तो जैसे आप टमाटर डालो उसको अच्छी तरह से पकने दो। पकने के बाद यहाँ पे मैंने सोक राइस और मूंग दाल डाली है। मैंने ज़्यादा मूंग दाल डाली है बिकॉज मुझे खिचड़ी के अंदर मूंग दाल ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने हाफ कप मूंग दाल, एक कप राइस डाला था, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको खिचड़ी किस टाइप की चाहिए थी। मुझे है ना लाइक बहुत मोटी खिचड़ी पसंद नहीं है, मुझे हल्की सी, वो लाइक रनी टाइप की होते ना वैसे ही पसंद है। तो फिर वहाँ उसके अंदर बाद में डाल देंगे थोड़ा सा कोरिएंडर, और कुकर को अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम कुकर की आई थिंक 2 सीटें लगाई थी। फिर कुकर की 2 सीटें लगाने के बाद, तीन सीटी लगाने के बाद उसको खोल दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो खिचड़ी बन चुकी है, लेकिन मुझे थोड़ी खिचड़ी पतली करनी थी तो फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाला। गैस का जो फ्लेम है ना वो मीडियम ही रखना है, और उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके थोड़ी देर के लिए आप उसको पका लो। अगर आपको उसके ऊपर थोड़ा सा तड़का डालना है तो वो भी डाल सकते हो, अदरवाइज उसको आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो, वैसे भी अच्छी लगती है। मुझे थोड़ा सा तड़का डालना, लाइक मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना था, तो मैंने क्या करा उसके अंदर, एक जो तड़का लगाने वाला चीज़ आता है उसके अंदर ऑयल, थोड़ा सा रेड चिली, ड्राई रेड चिली और लहसुन, ये डाल के उन्हें अच्छी तरह से भून लिया। और उसी के साथ साथ मैंने बहुत लो फ्लेम में भुना था, तड़का लगाया था, और उसी के साथ साथ इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, सो बहुत तीखा नहीं लगेगा। और बस डाल देंगे हम लोग उसको खिचड़ी पे, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप तड़का स्किप भी कर सकते हो, लेकिन तड़का के साथ लहसुन वाला टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत टेस्टी लगती है, और लगेगा भी नहीं कि आप खिचड़ी को कुछ इस तरीके से ऐसे बना के भी खा सकते हो। और अगर आपको सिंपल खिचड़ी बनानी है तो बिना तड़के के साथ भी बना सकते हो, या फिर कुछ इंग्रेडिएंट आप स्किप भी कर सकते हो। सो खाना बनाना लाइक, शेयर और फॉलो, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।